महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी विवादों का दूसरा नाम बन गई है। दरअसल इस बार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर सिंडिकेट सदस्य कई विवादित आरोप लगा रहे हैं और साथ ही सिंडिकेट सदस्यों का ये भी कहना है कि अगर 48 घंटों में मीटिंग नहीं बुलाई गई तो फिर उनकी ओर से चौंकाने वाले कार्यक्रम कर इस मामले में विरोध प्रदर्शित किया जाएगा। अब ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल जब से महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में वीसी के तौर पर विजय श्रीवास्तव ने चार्ज संभाला है, तब से उनके और सिंडिकेट सदस्यों के बीच किसी न किसी मामले को लेकर तकरारों के किस्से सामने आते रहते हैं। हाल ही में वीसी की ओर से मीटिंग में सम्मत हुए मुद्दों पर मिनट्स के मामले में अपने मुताबिक फैसले लेकर अमल करवाया है, ऐसे आरोप सिंडिकेट सदस्यों की ओर से लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को इस मामले में पत्र लिखकर जानकारी दी गई है। और इस गंभीर मामले के मद्देनजर अगर 48 घंटे में मीटिंग नहीं बुलाई गई तो यूनिवर्सिटी के वीसी को चौंकाने वाले कार्यक्रम और विरोधों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ऐसी धमकी भी सिंडिकेट सदस्यों की ओर से दी जा रही है।